भाई जो फवारे में आपको दिखा रहा था मुझे यहाँ देखने की। जब नाइट को चलते हैं तो इसके साथ लाइटिंग भी होती है और म्यूजिक के साथ चलते हैं। पत्रिका गेट का पहले वीडियो आ चुका है मेरे हिसाब से, अच्छी लगी है। हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो के साथ नए दिन की शुरुआत। और आज हमने सोचा है कुछ नया एक्सप्लोर करने का। हम पत्रिका गेट तक तो जाते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है अपने जयपुर का, है जुहार कला केंद्र, जे के नाम से जाना जाता है। उसमें नाइट का व्यू भी बहुत शानदार होता है, उसमें वाटर फवारे भी है, आगे वीडियो में सारा आपको दिख जाएगा। बाकी मैं दिन में जा रहा हूँ तो आपको मोस्टली दिन का वीडियो दिखा दूँगा, मैं दिन का वीडियो जो भी है उसमें बताऊँगा मैं। और अगर आप ऐसे नहीं जा रहे हो तो पत्रिका गेट है, पत्रिका गेट के जस्ट पीछे का हिस्सा वो पार्क ही है पूरा, बहुत बड़ा पार्क है। अर्ली मॉर्निंग जाओ, दोपहर में जाओ, इवनिंग में जाओ, नाइट में जाओ, एनी टाइम वो खुला रहता है। नाइट का पता नहीं, नाइट का मैं टाइम देख के उस पर डाल दूंगा कि नाइट में कितने बजे तक बंद होता है। बाकी पूरे दिन खुला रहता है, ऐसा कुछ है नहीं कि दिन में बंद या ऐसा कुछ नहीं है, पूरे दिन खुला रहता है। तो आज उसको एक्सप्लोर करते हैं, और अगर टाइम रहा, टाइम बचा हमारे पास, तो हम WTP का भी एक राउंड मार के आएंगे। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सके। हम साथ साथ में खाना भी लेके आए थे, और खाने में है पराठे और दही। भाई मस्त मज़ा आने वाला है यहाँ पे, आलू के पराठे खा के, खाना वाना खा के, ऐसे मगरमच्छ की तरह धूप से। को यह है ज्वार सर्किल जयपुर की सबसे बड़ी सर्किल। वैसे नहीं जानो तो आप पत्रिका गेट के नाम से भी जान सकते हो। तो खाना एंजॉय करते हैं और मिलते हैं खाने के बाद। भाई ये आलू के पराठे और दही, मज़ा आने वाला है। इसमें है छाछ। खाना हमने खा लिया है, बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़ा आ गया। घर का खाना भाई, कहीं भी जाओ घर से 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, खाना बनवा के पैक करवा के फिर खाओ। जितना हो सके बाहर के जंक फूड वगैरह अवॉइड करो। पार्क का विजिट करवाऊँगा, कितना क्या बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, और इसमें क्या क्या है मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। और सामने पत्रिका गेट है, ये पार्किंग है, पार्किंग से यहाँ से ये इस पार्क की एंट्री है। इसके लेफ्ट में ये कुछ बना हुआ है और राइट में ये कुछ, इधर भी जा सकते हो, मैं सीधा जा रहा हूँ अंदर। ये इसका एंट्रेंस है। इतना ही बड़ा पार्क है, कितना ही शानदार, पेड़ पौधों की जो ही कटिंग कर रखी है यार, ये मस्त लग रही है। ये चीज भी मेरे को काफी अच्छी लगी है। ये देखो पार्क के बीच में, ये जो सामने आप देख रहे हो ये है वाटर फवारे। और ये जब नाइट को चलते हैं तो इसके साथ लाइटिंग भी होती है और म्यूजिक के साथ चलते हैं, तो भाई इतना मस्त नज़ारा होता है नाइट का देखने लायक। जो मैं पहले बता रहा था वो देखो, ये बच्चे पिकनिक पे आए हुए हैं स्कूल्स के, क्योंकि फिर कल से ऑफ होने वाला है। पहला फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, और ये सबसे बाहर वाला लास्ट वाला, वो देखो पैदल चलने वाला रास्ता। उसके बाद आगे इधर पार्किंग है, और इधर आगे जगह नहीं है, आगे हो गया। ये जो मैंने विजिट करवाया आपको, ये आधे से भी आधा पार्क है, बाकी इससे काफ़ी बड़ा है। ये पार्किंग एरिया, भाई पार्किंग एरिया में भी बैठने का मन करता है आपको बताऊँ। पत्रिका गेट का पहले वीडियो आ चुका है मेरे हिसाब से, बाकी मैं ला। और ये रही अपनी कार यार, भाई जो फवारे में आपको दिखा रहा था मुझे यहाँ देखने की बहुत छवि, तो मैं यहाँ पे आ गया। सैंडी हाउस